हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएमसी यानी कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। फ्रेंड्स, यहां पर सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत वर्ष 2023-24 के लिए 1000 पोस्ट जारी की गई है। ये एसएमसी का अप्लाई पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यदि आप अप्रेंटिसशिप का फॉर्म मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। अब आपकी मोबाइल स्क्रीन लगभग कंप्यूटर स्क्रीन के जैसे ही शो होगी, इससे आपको फॉर्म फिल करने में आसानी होगी। फॉर्म फिल करने से पहले एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, इसे आपको रीड कर लेना है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा 19 अक्टूबर 2023 को 1000 अप्रेंटिसशिप की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर आप ऑनलाइन अप्लाई 23 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 रात्रि 11 बजे तक कर सकते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर है और यहाँ पर अप्रेंटिस ट्रेड है। यहाँ पर टोटल पोस्ट दी हुई है और यहाँ पर प्रशिक्षण का समय दिया गया है। यहाँ पर स्टाइपेंड दिया हुआ है और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन के लिए टोटल 80 पोस्ट हैं और 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें से ₹8,050 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, संबंधित ट्रेड से ITI पास होना चाहिए। इसी तरीके से आप सभी ट्रेड्स का देख सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 1000 है। इस नोटिफिकेशन की भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो चलिए अब हम अप्लाई करते हैं। यदि आप अप्लाई प्रोसेस देखना चाहते हैं तो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है देख सकते हैं। यहाँ पर आप आवेदन तभी कर सकते हैं जब आपने अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया हो और साथ ही आपने EKYC की हो और आपकी प्रोफाइल अपडेट होना चाहिए। यदि आपने अभी तक अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए हम पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और साथ ही अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं वो डेट शो हो रही है। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस पोस्ट के सामने अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका पोस्ट नेम है और यहाँ पर PRO नंबर है। यदि आपके द्वारा रॉन्ग पोस्ट सिलेक्ट हो गई है तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके दोबारा पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करें। अब यहाँ पर आप अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करें। ए ऑलरेडी इंटर है, न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर इंटर करें या फिर आप कॉपी पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर आपको अपने नेम का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर करें। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सरनेम सभी इंटर करना है। इसके बाद फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर करें। अब यहाँ पर मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर करें। यदि आप मैरिड हैं तो यहाँ पर स्पाउस नेम यानी कि पति या पत्नी का नेम इंटर करें। यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर करें। यदि आप मैरिड नहीं हैं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स, 10th क्लास की मार्कशीट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अनुसार फिल करना है। अब यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल्स फिल करनी है। आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पर इंटर करें। इसके बाद सिटी इंटर करें, स्टेट इंटर करें, इसके बाद पिन कोड नंबर इंटर करें। यहाँ पर आपको वही पिन कोड नंबर इंटर करना है जो आपके एड्रेस प्रूफ में है। अब यहाँ पर आपको मदर टंग यानी कि मातृभाषा सिलेक्ट करना है। आपकी जो भी मातृभाषा है उसे सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करें। इसके बाद ईमेल आईडी इंटर करें। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही से फिल करें, क्योंकि OTP और जॉब की सभी इंफॉर्मेशन इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त होगी। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें। सबसे पहले बर्थ ईयर सिलेक्ट करें, मंथ सिलेक्ट करें, डे सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आप कैटेगरी सिलेक्ट करें। आपकी जो भी कैटेगरी है उसे सिलेक्ट करें। इसके बाद मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करें, पैन नंबर इंटर करें। यदि आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर करना है। यहाँ पर आपको अपनी डिग्री सिलेक्ट करना है। IT इलेक्ट्रीशियन या ITI वायरमैन सिलेक्ट करें।
यहाँ पर आपके अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन शो होगी जिसे आपको सिलेक्ट करना है। क्या आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पर आप एस या नो सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स फिल करना है, बैंक सिलेक्ट करें। यदि आपका बैंक नेम इस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर इंटर करें और यहाँ पर IFSC कोड इंटर करें और यहाँ पर ब्रांच नेम इंटर करें। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना है। आपको अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन शो होगी इसे आपको सिलेक्ट करना है। डिग्री सिलेक्ट करें, इंस्टीट्यूट या बोर्ड या यूनिवर्सिटी इंटर करें, पासिंग मंथ या ईयर सिलेक्ट करें। सबसे पहले ईयर सिलेक्ट करें, इसके बाद मंथ सिलेक्ट करें, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंटर करें। यदि आपने एक बार में एग्जाम पास किया है तो 1 इंटर करेंगे। आपने ITI GCVT या फिर NCVT से कंप्लीट किया है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यदि आपके कोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे या फिर सिलेक्ट रहने देंगे। यदि आपका कोर्स GCVT या फिर NCVT है तो आप इसे ही सिलेक्ट करें। जैसे कि आप BA BSc बेस से फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। आपका कोर्स कब स्टार्ट हुआ है और कब एंड हुआ है डेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपने ITI के टोटल मार्क्स इंटर करें और यहाँ पर ITI के ऑब्टेन मार्क इंटर करें। यहाँ पर आपका परसेंटेज कैलकुलेट शो होगा। क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल्स फिल करने के बाद एड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करें। इस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन एड हो चुकी है। यदि आपका मार्किंग पैटर्न CPI, GPA या ग्रेड है तो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी शो करना होगा। इस तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन एड हो चुकी है। यदि आप इस क्वालिफिकेशन को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। यदि आप इस क्वालिफिकेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। यदि आपके फॉर्म में सभी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं तो आप इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे। एक साथ सभी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। यदि आप अलग अलग डॉक्यूमेंट को टिक करना चाहते हैं तो टिक करें। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और रिजर्व कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को टिक करें। यदि आप हैंडीकैप्टेड कैंडिडेट हैं तो आप इस चेकबॉक्स को भी टिक करें। SSC की मार्कशीट मैंडेटरी है, इसे आपको टिक करना है। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी आपको टिक करना है। ITI की मार्कशीट मैंडेटरी है, इसे भी टिक करना है। और ITI का सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है, इसे भी आपको टिक करना है। यदि आपके पास HSC की मार्कशीट है तो आप इसे टिक करें, यदि नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। अब यहाँ पर आपको आधार कार्ड भी मैंडेटरी है, इसे आपको टिक करना है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड को टिक करें, यदि नहीं है तो आप इसे अनटिक ही रहने दें। अब यहाँ पर आपको बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक के लिए चेकबॉक्स को टिक करना है, ये भी मैंडेटरी है क्योंकि इसी बैंक अकाउंट पर आपका स्टाइपेंड भेजा जाएगा। और आपको अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल भी टिक करना है। आपको अपनी अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद प्रिंट करके रख लेना है। ये सभी डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ पर टिक किया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सभी शो करने होंगे। यहाँ पर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट नहीं है या फिर वह मैंडेटरी नहीं है तो आप उसे अनटिक कर देंगे। यहाँ पर आपने जो भी डिटेल्स फिल की है उन सभी डॉक्यूमेंट को टिक करना है। जो डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है या आपके पास नहीं है उस डॉक्यूमेंट को टिक ना करें। अब यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल करना है। डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को टिक करें। एक बार सभी इंफॉर्मेशन आपको चेक कर लेना है। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट हैं तो आप सबमिट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर जो फोटो अपलोड करनी है उसका जो फाइल साइज है वो 100 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर का जो फाइल साइज है वो 50 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पर जो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है उसका जो फाइल फॉर्मेट है वो JPG, JPEG या फिर PNG में होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फोटो सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी अपलोडेड फोटो शो होगी। अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, इसके लिए भी सेम गाइडलाइंस है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, सिग्नेचर सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका सिग्नेचर भी शो होगा। यदि आपका इनकरेक्ट फोटो या सिग्नेचर अपलोड हो चुका है तो सेम तरीके से आप दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके फोटो एंड सिग्नेचर करेक्ट हैं तो आप अपलोड पे क्लिक करें। आपका डेटा सेव हो चुका है, आपके मोबाइल नंबर पे OTP सेंड कर दिया गया है, ओके पे क्लिक करें। अब आपके मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त होगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर करना है। यदि आपके मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त नहीं हुआ है तो आप रिसेंट OTP पे क्लिक करके OTP प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 3 चांस ही दिए जाएंगे।
ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करें। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है जिसे आपको नोट कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए प्रिंट पे क्लिक करें। यदि आपका पॉपअप ब्लॉक है तो आप उसे अलाउ कर दें। इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसे आपको प्रिंट पे क्लिक करके या फिर डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड या प्रिंट कर लेना है। यदि आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो इस एप्लीकेशन फॉर्म की आवश्यकता होगी। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म को बाद में भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें और प्रिंट पे क्लिक करें। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसे आपको डाउनलोड या फिर प्रिंट कर लेना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म तभी ओपन होगा जब आपने पॉपअप अलाउ किया है। यदि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट कर दिया है किंतु आपने प्रिंट नहीं किया है तो आप 2 नवंबर 2023 रात्रि 11 बजे तक फॉर्म को प्रिंट कर लें। यदि आप 2 नवंबर 2023 रात्रि 11 बजे तक प्रिंट नहीं करते हैं तो इसके बाद आप फॉर्म प्रिंट नहीं कर पाएंगे। और यदि आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो वहां पर आपको फॉर्म भी लेकर के जाना है और आपने जो भी डॉक्यूमेंट पे टिक किया है उन सभी डॉक्यूमेंट को भी लेकर के जाना है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।